अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। एक्चुअली मुझे ये चीज पूछनी थी कि अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाकर मेडिकल स्टडीज करना ज्यादा बेहतर है या फिर उसे मतलब घर पर ही स्टडी करना चाहिए कोई ऑनलाइन रिसोर्स की मदद से। जजाकल्लाह खैर। देखिए, हमेशा कोई जो हुक्म लगाया जाता है तो माहौल के एतबार से हुक्म लगाया जाता है, इसलिए कि जी सिर्फ जायज़ और नाजायज़ का मसला नहीं है। यहाँ पे तफसीली तौर पे मैं आपको बताऊँ, पूरी डिटेल ये है कि अगर कोई ऐसा कॉलेज मौजूद है जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, वो तालीम नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पे वो लड़की उस कॉलेज में जाकर मेडिकल की तालीम हासिल कर सकती है। लेकिन दूसरे कॉलेजेस जहाँ पे कोई एजुकेशन का सिस्टम है और आमतौर पे मर्द और यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ती हैं, तो वहाँ पे उसके लिए पढ़ना जायज़ नहीं, इसलिए कि तिब जी सीखना या मेडिकल पढ़ना उसके ऊपर शरान वाजिब नहीं है। लेकिन उसकी इजाज़त मौजूद है अगर शरीयत के मुताबिक उसको जगह मिलती है, उसको कोई कॉलेज मिलता है। तो अब हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज हैं और लड़कियों के लिए खास हैं, मौजूद हैं। तो अगर इस्तेआत है किसी के पास यह है तो वो जाकर उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। दूसरी जो चीज़ है कि ऑनलाइन तालीम हासिल करना, ऑनलाइन तालीम हासिल करने में शरीयत की इजाज़त मौजूद है, इसलिए कि वहाँ पे अगर पर्दे का एहतमाम करते हुए यानी अपना फेस ना दिखाते हुए अगर आप पढ़ सकती हैं और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पे मेडिकल लाइन से अपनी डिग्री हासिल कर सकती है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये उसकी आपके सवाल की मुकम्मल डिटेल है कि इसमें अगर आपके शरीयत के मुताबिक आप रहते हुए पढ़ सकती हैं तो जायज़ है, और नहीं तो फिर जायज़ नहीं।